अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। ये बड़ा अजीब सा मामला, ऐसा नहीं होगा। इकबाल, चलो जी इकबाल को थोड़ी देर के लिए उनसे माजरत करते हैं किसी और आशिक की जुबान में। वो फरमाते हैं कियामत तक के लिए एक कानून है कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज करबला, खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज करबला, लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा के देख, लाखों यजीद है यहाँ कलमा हक उठा के देख, उठा के देखना हक का कलमा, खत्मे नबूवत के लिए बात करते हुए फैजा वादा हो गए तो आज तुम्हारे शहीद करके भेजेंगे, क्योंकि तूने हुसैनी काम जो किया आया ना, मुझसे रिसालत के लिए आवाज उठाओगे तो लाहौर से कराची तक तुम्हारे 35 जवान बुजुर्ग बच्चे शहीद कर दिए जाएंगे, क्योंकि हक की आवाज जो उठा रहे हो तुम, जनाबे आला हक के लिए निकलोगे, तुम्हारे बुजुर्गों को बच्चों को जेलों में डाल देंगे। ये सारा कुछ किस लिए हुआ कि आपने हुसैनियत के पैगाम को कबूल किया, आपने यजीदियत के निजाम के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं लाखों सलाम लबैक वालों आपको, लाखों सलाम बाबा जी के नजरिए को, लाखों सलाम अमीर अल मुजाहिदीन के फिक्र को, इतनी अजियतें तकलीफें मारे खा के आज भी लबैक का नारा पहले से ज्यादा पावर के साथ गूंज रहा है। जिधर भी जाओ यही आवाज, अब तो बल्कि 2021 जा रहा था, 2022 आ रहा था, रात के 12 बजे कभी पाकिस्तान में फायरिंग करने वाले होते थे, हाथ में शराबे लेके घूमने वाले होते थे, लेकिन 2022 बाबा जी की बरकत से ऐसा साल आया जहां पे लाहौर से लेके कराची, खैबर जनाब आला कश्मीर और बड़े बड़े शहरों के अंदर जू रात के 12 बजे पिछला साल खत्म हुआ, अगला शुरू हुआ तो जवानों ने सड़कों पर आके कहा लब्बे हजारों जनाबे आला पर्चे कटवा के, हजारों बातें सुन के, हजारों अजियतें सह के आज भी लबैक वाले उस पे खड़े हैं कि ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना ईमान भी हुसैनी है। आइए तकरीर को इख्तिताम की जानिब लेके चले, हो गई तकरीर खत्म। हमारे बाबे ने हमें एक ही बात समझाई है, आप सेहतमंद हो या बीमार हो, हुजूर के दीन का काम करना है, आप करेंगे इंशाल्लाह। वो हमने कहा हजरत जी वो लाहौर ये काला शिकागो के पास एक अस्पताल खुला है जी, शकरा अस्पताल, तो वहाँ के डॉक्टर रब्ता करते हैं कि हम बाबा जी का इलाज करना चाहते हैं, हमारा बोर्ड उधर आ जाता है, आप मेहरबानी करें हमें टाइम दें। जब मैंने कहा हजरत जी, वो कहते हैं 6 माह का अरसा लगेगा, थोड़ा वक्त दें तो आप चलने के काबिल हो जाएंगे। तो आपने फरमाया, आपने फरमाया मौलाना 6 महीने में पता कितना नुकसान हो जाएगा तहरीक का, तो बिस्तर पे पड़े रहने से बेहतर है चलते चलते हुजूर का नाम लेते दम निकल जाए, ये सबसे बेहतर। तो यार उन्होंने अमलन, फिर मैंने जब कहा, साद भाई ने भी कहा कि आप मेहरबानी करें अपनी वो सेहत का ख्याल रखें, तो मुझे फरमाने लगे वो जो फैजाबाद शेर पढ़ता से मैंने शेर सुनाए, मैं दिया गल्ला छाड़ तू कि गल्ला लगा हुआ, बस एक राज है तू छाड़ दे गल्ला दोबारा नहीं करना, मैंने शेर सुना के चोने ते दवाइया मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारानों बीमार रहन
दे जोड़े ते दावाया मेरे आका दे बीमारानों बीमार और सोने मैं मंगे बस अपने बोहे दा चौकीदार आगा दे बीमारानों बीमार रहन दे। लीजिए जनाब आला आज उनकी फिक्र इतनी आम हुई, आज उनका मैसेज इतना आम हुआ, आज इस दरबार शरीफ तक भी जनाब आला बच्चे भी जवान भी बाबा जी के सिखाए हुए नारे याद कर चुके और बल्कि जनाब आला ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद से लेके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह से लेके पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह से लेके मन सब्बा नबिया फक्तलुआ तक सब कुछ याद है और सब जनाब आला इसलिए याद करके बैठे हैं कि उस बाबा जी ने जनाब व्हील चेयर पे बैठ के जनाब ये सब कुछ सिखाया और ये कौम आज याद करके कह रही है खुदा दे वास्ते एक बार आ जाओ ए टर चले तेरा बीमार आ जा खुदा दे वास्ते एक बार आ जा मैं सदके तेरियां मिट्टियां गलां तू सुनावण मिठे गुफ्तार Ya Rasulullah, the pain, the pain, the pain, Ya Rasulullah, the pain, the pain.